हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ हम सबकी फेवरेट आइसक्रीम, बटर स्कॉच आइसक्रीम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रंच बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर कढ़ाई रखी है और गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे हाफ कप शुगर। शुगर को हमें मेल्ट करना है लो फ्लेम पे, और ये आप देख सकते हैं ये शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए काजू, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम स्प्रेड करेंगे एक फॉइल पेपर में। फॉइल पेपर के बदले आप बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे ही। तब तक हम आइसक्रीम की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल व्हिपिंग क्रीम ली है जो हम केक को डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं, वो यूज किए है। और इसे हमें सॉफ्ट पीक आने तक बीट करना है, स्टिफ पीक नहीं लाना है, सॉफ्ट पीक आने तक ही बीट करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क से आइसक्रीम को अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्रीम में। तो ये हमारा आइसक्रीम बेस बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसमें अलग अलग फ्लेवर इसेंस डाल के आइसक्रीम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बटर स्कॉच इसेंस डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और जो हमने क्रंच सेट होने के लिए रख दिया था वो अच्छे से सेट हो गया है, ठंडा हो गया है। अब हम इसे निकालेंगे। इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े करके कुछ इस तरीके से रफली पाउडर बनानी है, बहुत ज्यादा फाइन पाउडर नहीं बनानी है। तो कुछ इस तरीके से हमारा बटर स्कॉच क्रंच बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने जो बेस तैयार किया था उसमें भी ये क्रंच डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा क्रंच मैंने बचा के रखा है ऊपर गार्निश करने के लिए। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें हम डालेंगे येलो फूड कलर। बटर स्कॉच आइसक्रीम को थोड़ा कलर रहता है तो इसलिए मैंने ये फूड कलर ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। जिसमें हम आइसक्रीम सेट करेंगे उस वो कंटेनर हम लेंगे। इसमें हम सारा आइसक्रीम डाल के अच्छे से लेवल कर लेंगे। अब हमने जो क्रंच बचाया था वो ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और इसके ऊपर फॉइल पेपर रखेंगे ताकि जो आइस क्रिस्टल है वो आइसक्रीम के ऊपर ना जमा हो जाए। और इसे हम लीड लगा के 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे या फिर ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। 6 से 8 घंटे होने के बाद मैंने कंटेनर फ्रीजर से निकाला है और ये जो फॉइल पेपर है इसे भी हम निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये सेट हो गई है आइसक्रीम। बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं है और दिखने में तो सेम मार्केट जैसे ही लग रही थी और खाने में भी उतनी ही टेस्टी लग रही थी। अब हम इसे स्कूप करेंगे। वाव, आप देख सकते हैं स्कूप करते टाइम भी कितनी क्रीमी लग रही है। वाव, हमारे डिलीशियस क्रीमी बटर स्कॉच आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप भी इस तरीके से घर पर जरूर ट्राई करें, आप सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको व्हिपिंग क्रीम नहीं मिल रही है तो अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।